इस नौजवान की जेब काटी गई है बड़े ही चालाकी से, और ये ब्लेड का कट लगता है कि ब्लेड से जेब काटी गई है। 22,000 रुपये इस नौजवान की जेब में कैश था, और उसके साथ साथ इनका मोबाइल फ़ोन था, जो दोनों जो है चोरी हो चुके हैं। घुमट चौक से मैं टाटा गाड़ी में बैठ के मैं शालामार में मैं गाड़ी से उतरा, और उसके बाद मैं बूटा मार्केट चला गया था, अंदर बूटा मार्केट पे। तो जैसे ही कुछ सामान खरीदना था मुझे, मैं शॉप के अंदर गया तो जेब में मैंने जैसे ही हाथ मारा तो जेब मेरा कटा हुआ था, मेरा फ़ोन भी लिया हुआ था, और मेरा जो कैश था वो कैश भी उन्होंने। कैश कितना था? कैश तकरीबन 22,500 के आसपास में मैंने कंप्लेंट की है सर, ये कंप्लेंट की है, कंप्लेंट भी इन्होंने करवाई है। बहरहाल ये जो है रिपोर्ट, मोबाइल मिसिंग रिपोर्ट इन्होंने करवाई है, और ये देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दिहाड़े आज यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है, दिन दिहाड़े लोगों की जेबें काटी जा रही है। जम्मू में दिन दिहाड़े आज चोरियों की वारदातें सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त एक कश्मीरी नौजवान मौजूद है, जो जम्मू शहर में शॉपिंग के लिए जा रहे थे, और इसी बीच इनकी जेब काटकर इनकी जेब से 22,000 रुपये कैश, और उसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन इनके पास था वो भी किसी ने चोरी कर लिया। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस नौजवान की जेब काटी गई है बड़े ही चालाकी से, और ये ब्लेड का कट लगता है कि ब्लेड से जेब काटी गई है। 22,000 रुपये इस नौजवान की जेब में कैश था, और उसके साथ साथ इनका मोबाइल फ़ोन था, जो दोनों जो है चोरी हो चुके हैं, और बड़ी चालाकी से इस चोर ने वारदात अंजाम दी है। बहरहाल हम मज़ीद जानकारी के लिए इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नाम क्या आपका? सर नासिर नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बांडीपोरा का रहने वाला हूँ। इधर जम्मू में क्या कर रहे थे और कहाँ पर आपके साथ ये हुआ? जम्मू में मैं कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, मैं जैसे ही घुमट चौक से टाटा गाड़ी में बैठा था, घुमट चौक से मैं टाटा गाड़ी में बैठ के मैं शालामार में मैं गाड़ी से उतरा, और उसके बाद मैं बूटा मार्केट चला गया था, अंदर बूटा मार्केट पे। तो जैसे ही कुछ सामान खरीदना था मुझे, मैं शॉप के अंदर गया तो जेब में मैंने जैसे ही हाथ मारा तो जेब मेरा कटा हुआ था, मेरा फ़ोन भी लिया हुआ था, और मेरा जो कैश था वो कैश भी उन्होंने। कैश कितना था? कैश तकरीबन 22,500 के आसपास था। 22,500 हाँ जी, हाँ जी। तो ये गाड़ी में ये हुआ आपके साथ, यहाँ बाहर जब मार्केट में आप चल रहे थे उस वक्त? मैं जब गाड़ी में बैठा, गाड़ी में खड़ा था मैं, ओवरलोड ज़्यादा था गाड़ी में, तो जब मैं बूटा मार्केट पहुँचा वहाँ पर भी भीड़ बहुत थी, रश बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि गाड़ी में निकाला है या बाहर निकाला है, बट उसी एरिया में निकाला गया है, घुमट चौक से बूटा मार्केट के बीच। आपको बीच में रास्ते में कहीं महसूस हुआ कि कोई आपको जो आपका पीछा कर रहा है या आपके जेब वगैरह की तरफ हाथ लगा रहा है? ऐसा तो मुझे कोई फील नहीं हुआ, बट जब मैं टाटा गाड़ी में था, ओवरलोड था, धक्के तो लग रहे थे, इधर उधर से धक्के लग रहे थे, बट मैं सोचा ओवरलोड है तो ओवरलोड में धक्के तो हो ही जाते हैं। उसके बाद मैं सिटी चौक में गया था पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट भी की है। किसी शख्स को पता थी कि आपके जेब में इतना कैश है या कुछ है? हो भी सकता है, क्योंकि मैं जब घुमट चौक से किराया निकालते वक्त आपने, जब गाड़ी में थे आप, किराया निकालते वक्त आपने जेब चेक की थी? किराया मैंने दिया तब, मेरे पास कैश भी था और फ़ोन भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी में कैश निकालते वक्त किसी ने आपका कैश देख लिया और उसके बाद पीछा किया? वो भी हो सकता है। घुमट चौक से मैंने कुछ सामान खरीदा था खाने के लिए, कुछ चिप्स वगैरह खरीदे थे, तो वहाँ पर भी मैंने कैश निकाला था, तो हो सकता है वहाँ से भी किसी ने पीछा किया हो। पर आपके पास तो कुछ खर्चा पानी तो कुछ नहीं होगा आपके पास? नहीं, अभी मेरे पास है थोड़ा बहुत कैश है, 400-500 रुपए हैं मेरे पास अभी जेब में। आप कहाँ जाना, किधर था आपने? अभी यहाँ पर स्टे कर रहे हो कहीं? नहीं, स्टे मैं यहाँ पे कर रहा था, बट मैं सामान खरीदने के लिए आया था। अभी सामान तो खैर सामान तो रह गया सामान की जगह, वापस ही जाना है कश्मीर। अच्छा, तो ये मुझे ये चीज़ बताएं कि कोई कंप्लेंट वगैरह आपने करवाई, क्योंकि आपके फ़ोन का कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है? बिल्कुल सर, मैंने कंप्लेंट सिटी चौक में मैंने कंप्लेंट की है सर, ये कंप्लेंट की है, कंप्लेंट भी इन्होंने करवाई है। बहरहाल ये जो है रिपोर्ट, मोबाइल मिसिंग रिपोर्ट इन्होंने करवाई है, और ये देख सकते हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दिहाड़े आज यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है, दिन दिहाड़े लोगों की जेबें काटी जा रही हैं, और आज इस कश्मीरी नौजवान की भी जेब काटकर इससे जो है रास्ते पर ला दिया, क्योंकि कुछ ही कैश इनके पास बची होगी, इनने वापस कश्मीर भी जाना है, लेकिन कुछ सामान खरीद रहे थे, सामान खरीदने से पहले ही इनकी जेब जो है वो काट दी गई है। हो सकता है किसी और शख्स के साथ भी आने वाले वक्त में ऐसा हो। पब्लिक के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? पब्लिक के लिए यही मैसेज रहेगा कि वो अपनी सेफ्टी खुद रखें, जो भी कैश है उसका ध्यान रखें, जब भी वो टाटा गाड़ी में ट्रैवल करें या मार्केट में भीड़ भाड़ वाली जगह से ट्रैवल करें, तो वो अपना जो कैश है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। चले।
इससे पहले भी कहीं तरह कुछ खबरें आपको ऐसी बताई जिसमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह से जेबें काटकर वो सामान निकाल कर ले जाते हैं, लेकिन आज फिर से और ये खबर आप तक पहुंचाने का यही मकसद है कि आप भी जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो आप अपनी चीज़ों का बखूबी जो है वो ध्यान रखें और देखें कि कहीं आपके साथ भी आने वाले वक्त में ऐसा मामला पेश ना आए कि आप सिटी की ओर जाएं या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और बाद में देखें कि आपकी जेब ही ना हो, आपकी जेब ही काट ली गई है। और एक कश्मीरी नौजवान के साथ भी आज ऐसा ही मामला पेश आया है, इनकी जेब काट दी गई, इनका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया और उसके साथ साथ 22,500 रुपये के करीब इनके पास कैश था, वो भी जो है वो चोरी हो गया। इसलिए जब भी आप बाहर निकलें अपने सामान की खुद हिफाजत करें।